हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस सूरीस। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं बेल के संबंधित, यानी कि सीआरपीसी में जो बेल के प्रावधान है कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जान लेना जरूरी है कि बेल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो बेल समझने से पहले हमको एक ये भी समझना होगा कि अरेस्ट क्या होता है। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई क्राइम करता है, तो पुलिस जो है वहाँ पे पहुँचती है और अपना इन्वेस्टिगेशन जो है करती है। ऐसे दौरान में अभियुक्त जो होता है उसको जो है पकड़ करके वो थाने पे लेके आती है। तो बेल जो है वहीं पे उसका कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करता है। यानी कि बेल का सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, बेल जो है एक तरह का अधिकार होता है, राइट होता है। वो राइट तब प्रोड्यूस होता है जब उसको अरेस्ट करके जो है ले करके आया जाता है, ठीक है। चाहे वो जो है न्यायिक हिरासत हो या पुलिस हिरासत हो, दोनों भी हो सकता है। दोनों केसेस में जो है बेल मिल सकता है, ग्रांट हो सकता है। तो अब ये तो हमको समझ में आया कि बेल एक तरह का अधिकार होता है जो तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति जो है अभियुक्त को, यानी पुलिस के द्वारा जो अभियुक्त होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और बेल एक ऐसा होता है, सिंपल सी बात यह है कि ये क्यों होता है, क्यों ये बेल का राइट उत्पन्न होता है, ये भी हमको समझ लेना जरूरी है। क्योंकि सामान्य तौर पे क्या होता है कि अभी तक तो उसके अपराध जो है न्यायालय में जो है सिद्ध तो नहीं हुए हैं। तो अगर उसको ले करके यहाँ पे पुलिस कस्टडी में आया है वहाँ पे और उसको रखा है, तो जब तक विचारण मान लो नहीं हुआ और उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति का सपोज कर लो कि वो अभियुक्त तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसको पहले से सोच करके तो अभियुक्त तो नहीं बना लिया जाएगा, तो उसको अरेस्ट नहीं, ये वहाँ पे कुछ जो है बॉन्ड और सिक्योरिटी ले करके जो उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसको जब जब न्यायालय में बुलाया जाएगा तब तक जो है वो हाजिर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो जो है उससे कुछ जो है बॉन्ड या सिक्योरिटी जो है कुछ ले करके उसको छोड़ दिया जाता है। मात्र जो है बेल का कॉन्सेप्ट यही है। सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत जो बेल का कॉन्सेप्ट है वो 436 यानी सेक्शन 436 से लेकर के 450 तक बताया गया है, ठीक है। और टोटल जो यहाँ से यानी 436 से 450 के अंतर्गत जो है चार प्रकार के बेल के बारे में बताया गया है, जो हम लोग आज के सेशन में जो है हम डिस्कस कर लेंगे कि टोटल टाइप्स क्या है, और फिर एक एक करके जो सेक्शन वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है क्या है, बेल आपका है बेलेबल ऑफेंस, यानी कि वो अपराध जो जमानती होंगे उनकी बात जो है सेक्शन 436 में किया गया है। दूसरा आता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि अजमानती अपराध, जिनकी बात जो है 437 में किया गया है। एंटीसेपेटरी बेल जिसे बोलते हैं पूर्ववर्ती जमानत, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 438 में जो है इसको बताया गया है। और चौथा जो बेल होता है वो सेक्शन 167 का क्लास 2 में बताया गया है, जिसे बोलते हैं हम लोग जो है डिफॉल्ट बेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने चार प्रकार के बेल के बारे में बताया। पहला बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल होता है, ठीक है, यानी एक ऐसे अपराध जो बेलेबल होते हैं। दूसरा जो है नॉन वेलेबल होता है, जिसे 437 में बताया गया है। और 438 में जो है कैसा बताया गया है, आपका एंटीसेपेटरी बेल है। और उसके बाद जो है 167 का जो खंड 2 है उसमें बताया गया है कि डिफॉल्ट बेल क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम 436 को देखते हैं, सेक्शन 4। और चूंकि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कौन से अध्याय में ये पड़ता है, तो याद रखिएगा यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा है जो बेल और बॉन्ड से रिलेटेड है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, तो बेल और बॉन्ड से रिलेटेड जो है चैप्टर नंबर 33 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 33 सेक्शन 436 से लेकर के 450 तक ये बेल और बॉन्ड को डिस्कस करता है। चार प्रकार के बेल होते हैं, हमने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 436 वो लिखा हुआ है, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकी, यानी कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन का लाइन तो इस तरह, लेकिन ये है बेलेबल ऑफेंस, यानी कि जब देखो अपराध क्या होते हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं। ये कह लो कि ऐसे कुछ अपराध होते हैं जो जमानती होते हैं, और ऐसे अपराध होते हैं जो गैर जमानती होते हैं,
ठीक है, यानी कि गैर जमानती अपराध में कौन कौन से आएंगे, जो 7 साल या ऐसे अपराध किया गया जिसकी सजा जो है 7 साल या 7 साल से ऊपर हो, उम्र कैद की सजा हो सकती है, मृत्युदंड की सजा हो सकती है, ऐसे जितने अपराध हैं वो गैर जमानती अपराध हैं। ठीक है, अगर गैर जमानती अपराध के इतर यानी कि जमानती अपराध अगर किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसका राइट होता है कि जो है कुछ बेल, उसका राइट होता है कुछ जो है सियोरिटी और बॉन्ड लेकर के जो है क्या करें, न्यायालय या पुलिस ऑफिसर जो उसको छोड़ देता है, और ये विश्वास करता है कि जब कभी भी उसको जो है बुलाया जाएगा, ठीक है, यानी कि कोर्ट में जब भी बुलाया जाएगा तब उसको हाजिर होना है। तो यही लिखा है, व्हेन अ पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज नॉन बेलेबल ऑफेंस अरेस्टेड और डिनाइड विदाउट द वारंट इन अ ऑफिसर चार्ज पुलिस स्टेशन, यानी कि जब उसको चाहे किसी पुलिस स्टेशन या ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा चाहे उसे निरुद्ध किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसका खुद का जो अरेस्टी होता है उसका एक राइट होता है जो जनरेट हो जाता है, और वो जो है डिमांड करता है कि भाई, और वो पुलिस का कर्तव्य भी है, ठीक है, जो है इसको बताए और कि किस अपराध में इसको जो है यहाँ पे लिया गया है, कि जमानती की अजमानती, ताकि वो अधिवक्ता कर सके या जमानत जो है वो अपना ले सके। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे केस में बिना वारंट के उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसका अधिकार होते को जमानत को ले ले, ठीक है, और जमानत के तौर पे जो उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, और ऐसे अगर ऐसा अधिकारी जो भी उसको प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर और कोर्ट इफ और टेक थिंग्स फिट, यानी जैसा वो ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को जमानत की जो जो भी बॉन्ड या सिक्योरिटी होती है उसको लेकर के जो क्या छोड़ सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम सच पर्सन डिस्चार्ज हिम द एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एज द हियर आफ्टर प्रोवाइड, यानी कह रहा है कि अगर मान लो कोई ऐसा है जो निर्धन है, ऐसा व्यक्ति जो निर्धन है जो जमानत देने में असमर्थ है, वो एक हफ्ता टाइम बीत जाता है जो है और वो जमानत नहीं ले पा रहे, तो ऐसे में जो है उसे निर्धन जो व्यक्ति उसको जो है क्या किया जाएगा, उन्मोचित करेगा, यानी कि बिना जो है सिक्योरिटी लिए हुए उसको छोड़ सकता है। तो ये था 436 जो आपको जो है बताता है कि बेलेबल ऑफेंस के बारे में, जमानती अपराध के बारे में। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात कर लेंगे जो है नॉन बेलेबल का, फिर उसके बाद एंटीसिपेटर का, फिर जो है जो 167 का जो बेल है जिसे बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, उसके बारे में हम लोग बात करके देखेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।